कुछ नजर आया? नहीं ना, आएगा कैसे? यहां तो छिपे बैठे हैं छल के उस्ताद, वो जो खूब जानते हैं अपने परिवेश में घुल मिलकर छिप जाना। यही है छलावरण, अंग्रेजी में कहते हैं कैमोफ्लाज। छलावरण को समझते हैं एक खेल के साथ। इस तरह से लें दो रंगों के कागज और इस पर कर दें इस तरह पेंटिंग। अब आप ही बताइए, ये चिड़िया आपको कहाँ नजर आ रही है और अगर उसे छुपकर बैठना हो तो कौन से रंग आएंगे काम? प्रकृति में शिकार और शिकारी का रिश्ता, हर किसी का एक ही लक्ष्य, अपने को बचाओ, अपने लिए खाना ढूंढो। वो जो दिख जाते हैं मारे जाते हैं, जो परिवेश में घुल मिल जाते हैं बच जाते हैं। बहुत से प्राणियों ने बचाव के अनोखे तरीके सीख लिए हैं। वो अपने परिवेश में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि नजर से गायब हो जाए। सुरक्षा के लिए यही करते हैं अनेक प्राणी, छल आवरण। इनसे मिलिए, ये है ओक लीफ नाम की तितली। बनावट ऐसी कि पत्तों के बीच नजर ही ना आए। इनके दुश्मन पक्षी और छिपकलियां। प्रकृति में तो हर तरफ खतरा, इसीलिए छलावरण बड़े काम का। आंखों के सामने पर आंखों से ओझल, कमाल का रूप ढला है ना। हूबहू पत्ती, मानो हर हिस्से की नकल। प्रकृति में तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण। सूखी डंडियां भला किसके काम की, खास तौर से जब भूख लगी हो। ये स्टिक इंसेक्ट ऐसे ही ढल गए हैं, भूरी डंडियों के बीच भूरा कीट। है ना कमाल का छलावरण। छलावरण शब्द का मतलब समझे? छल मतलब धोखा, तो धोखा देने वाला आवरण हुआ छलावरण। छलावरण कीट जगत तक सीमित नहीं, पक्षी भी इसमें माहिर। जमीन पर बैठने वाले अधिकतर पक्षी फीके रंग के होते हैं, भूरे, मटमैले, सलेटी। आसपास के रंगों में घुले मिले, नजरों से ओझल। बहुत से पक्षियों के पंख के रंग, उनके डिजाइन ऐसे ढले हैं कि वो अपने आसपास में छिप जाती हैं, आसानी से नजर नहीं आती। मेंढक, सांप, छिपकलियां नजर से ओझल होना खूब जानते हैं। मेंढक तो बिल्कुल स्थिर रहने में भी माहिर। इस छिपकली का चितकबरा रूप और चपटी दुम उसे मानो तने का एक हिस्सा ही बना देती है। पानी के अंदर गहराई में भी छलावरण बड़े काम का। तो अपनी आंखें पर रखिए और ढूंढिए जीवन। ऑक्टोपस, सी हॉर्स या फिर ये चटकीले रंगों वाली क्लाउन फिश, अपने घर के रंगों में ही रंगी है ना, छिपने में माहिर। अपनी रक्षा के लिए प्राणी ऐसी जगहों पर रहते और आराम करते हैं जिनमें वो नजर ना आए, घुल मिल जाए। वैसे छलावरण सिर्फ बचाव के लिए नहीं, शिकार के लिए भी काम आता है। ऊंची घास में बाघ मतलब टाइगर के बदन की धारियां यूं मिल जाती हैं कि वो दबे पांव अपने शिकार के पास आकर उसे धर लेता है। तेंदुआ मतलब लेपर्ड भी लेता है छलावरण की मदद। अब आपके लिए ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि बर्फीले पहाड़ों में रहने वाला तेंदुआ ऐसा क्यों है। छलावरण
छलावरण का चैंपियन अगर कोई है तो वो है गिरगिट, कमेलियन। उसमें तो रंग बदलने की अनोखी खूबी। आपके आसपास भी छलावरण जरूर होगा, तो खोजें उसे और बनाएं वीडियो। मानव प्रकृति से बहुत सीखता है। छलावरण ने भी सिखाया है दुनिया भर की फौजों को। आपने देखा ही होगा, सैनिकों के कपड़े ही नहीं, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और खेमे तक खाकी, हरे और भूरे होते हैं। बिल्कुल इसीलिए पक्षियों और जानवरों की प्रकृति में फोटोग्राफी करने वाले लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। इस तरह छिपकर देखने का घर बनाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में हाइड ही कहते हैं। तो देखें छलावरण एक बार और। छलावरण मतलब कैमोफ्लाज का अर्थ है अपने आसपास के परिवेश में घुल मिल जाना। अनेक प्राणियों में ऐसी अनोखी खूबी विकसित है जो उन्हें अपने परिवेश में घुल मिल जाने में मदद करती है। बहुत से प्राणी छलावरण की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। छलावरण का उपयोग शिकारी भी करते हैं, छिपकर अचानक हमला करने में ये बड़े काम का। और अब आप बूझो कि आदि मानव अपने शरीर पर पत्ते और चेहरे पर लकीरें क्यों बनाता होगा। खतरों से बचने को हम तो खुल मिलकर छुप जाते हैं। आसपास के रंग में ढलकर हम तो नजर न आते हैं। देखोगे नहीं तो पकड़ोगे कैसे, छलकर हम बच जाते हैं।